आप जानते हैं कि विधानसभा के सत्र के आखिरी दिन में यह विषय जो है माननीय सदन में उठा था, और उसमें दोनों पक्षों की ये सहमति थी कि विधानसभा के माननीय सदस्यों की कोई समिति का गठन हो जो एक नीति निर्धारण करने में जो है सरकार का सहयोग करे, कि वो जो जो पॉलिसी है, जो हॉकर्स हैं उनके लिए किस प्रकार की पॉलिसी हो। तो वो मुख्यमंत्री जी ने अंदर अपने बयान में भी स्पष्ट किया था, नेता प्रतिपक्ष ने भी स्पष्ट किया था कि, और दोनों राजनीतिक दलों ने, कि वो दोनों इसके लिए जो है तैयार हैं। मैंने कल प्रोसीडिंग्स के मुताबिक मुझे अधिकृत भी किया गया था उसमें, और ये भी कहा गया था कि विधानसभा अध्यक्ष जो है उसकी कमेटी जो है उसको मनोनीत कर दें सदस्यों को। तो कल मैंने जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर हैं श्री हर्षवर्धन चौहान जी, उनकी अध्यक्षता में माननीय हमारे जो अनिरुद्ध जी हैं जो मिनिस्टर हैं, और श्री विक्रमादित्य सिंह जी जो मिनिस्टर हैं उनके पास अर्बन डेवलपमेंट भी है, और साथ में जो जनाटा जी जो माननीय विधायक हैं यहीं से ही, और तीन हमारे प्रतिपक्ष के जो वरिष्ठ जो विधायक हैं जैसे अनिल शर्मा हैं, अपने सतपाल सती संत सत्ती जी हैं और रणधीर जी शर्मा जी हैं, उन तीनों को उसमें उस कमेटी में डालकर जो है हमने उनका जो कार्यक्षेत्र है उसको निर्धारित कर दिया गया है। और अब वो कमेटी जो है वो काम करेगी डिटेल्ड जो है डिस्कशंस करके, और भी अगर उनको जो एजेंसीज है उनका व्यू पॉइंट लेना है उसके लिए मैंने उनको ओपन कर दिया है कि पब्लिक व्यू और भी कोई जो है प्रदेशवासी इसमें अपना कोई नजरिया दृष्टिकोण कमेटी के समक्ष रखना चाहता है तो वो दे सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।